अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग से कैंसर का खतरा होता है, स्मोकिंग से मौत हो सकती है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है।
फिर मिलते हैं। हाँ? जरूर मिलना तय है भाई। ठीक है भाई, जल्दी मिलते हैं। अच्छा ठीक है, निकलो तुम लोग। ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी। मिलते हैं फिर। हाँ Bye.
अप्पू बेटा, अप्पू बेटा, यहाँ पर बैठे बैठे सो क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? बड़े खोए खोए लग रहे हो। वो लकड़े का कोई नया माल आने वाला है क्या फैक्ट्री में? हाँ, ट्रक तो सुबह आने वाला था लेकिन अब तक आया नहीं। अच्छा, तो ये बात है। जब नींद से उठाया तो मुझे लगा तुम कि थोड़े परेशान लग रहे हो मुझे। अपना हाँ। ख्याल रखो, चलता हूँ। हाँ। अप्पू, सुबह सुबह ये सूटकेस लेकर कहां गए थे तुम? अप्पू सुनो तो सही, अप्पू। हाँ? तनुजा, तनुजा रुको तो सही, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। छोड़ दो मुझे, किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। तो इससे पहले कि हमें कोई देख ले, मेरे साथ आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। चलो आओ तो सही। अप्पू, अप्पू, आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज रात हम यहां से भाग जाएंगे। देखो, मैं तुम्हें यहां पर भी मंदिर में ले जा सकता हूं और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहना सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हारे और मेरे घर वालों से जिंदगी भर लड़ते रहना नहीं चाहता। आज रात ठीक 12 बजे जब फैक्ट्री का भोंपू बजेगा, उसे सुनते ही तुम घर से निकलना। मैं पंसारी की दुकान के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेच कर सो रहा है, जल्दी से उठ जा, चल। आज इतनी देर तक क्यों सो रहा है? फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? आ, तुम्हें पता है तुम्हारे प्यारे तनुजा आज सुबह से ही गायब है, और तो और ये भी सुना है कि वो किसी के साथ भाग गई है। दीदी, तुम झूठ बोल रही हो। हाय हाय, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? उसके घर में तो उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही है और उस लड़के को कोस रही है। तू ना कुछ दिन उस घर से ना दूर रहना, माहौल जरा ठंडा होने दे, समझ गया ना? और हाँ,
मैंने ये भी सुना है कि कन्हैया गोपाल ने उसे सुबह सुबह नदी के रास्ते परंगी पहाड़ की तरफ जाते देखा था। कहाँ जा रहे हो तुम अप्पू? हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हर जगह ढूंढा, पता नहीं कहाँ चली गई। हे भगवान, क्या करूँ मैं? ए अप्पू, देखना मेरी बेटी कहाँ चली गई। वो तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना अप्पू। भगवान, अब मैं क्या करूँ? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कहाँ ढूंढूं उसे भगवान? कहाँ ढूंढूं मेरी बच्ची को? कहाँ है तू मेरी बच्ची? मेरी बच्ची, कोई ढूंढ के ला दो। रात 12 बजे जब फैक्ट्री का भोपू बजेगा तो तुम घर से निकल जाना। मैं वादा रहा। अप्पू, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, यहाँ आकर क्यों नहीं बैठते तुम? जी, मुझे कन्हैया से मिलना है। क्यों, कुछ खास काम था क्या उसके पास? जी वो अभी सुबह तो घर आया है, नदी के उस पार किसी के यहाँ पूजा करने गया था। मैंने सुना है कि कन्हैया ने तनुजा को देखा है। अयो, लगता है सारे गांव को पता चल गया। उन्हें बुला दो ना। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर उसे जगाती हूँ। अरे धोती तो पहनने दे ना। अरे धक्का मत, तो चल तो रहा हूँ। अरे मत करो। जी माफ करना, मैंने आपकी नींद खराब। अरे नहीं, जैसे ही इसने मुझे बताया कि अप्पू भाई आए हैं, मैं उठा और हाजिर हो गया। बताइए क्या परेशानी है आपकी, मैं तुरंत कौड़ियाँ बिछाता हूँ और आपका भविष्य देखता हूँ। इस परेशानी के लिए आपके कौड़ियों की जरूरत नहीं है। ओहो, तुम्हारे भुलक्कड़पन की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भविष्य जानने नहीं आया है? नहीं आया है? ओहो, अब समझ में आया, तुम जो है तनुजा के बारे में जानने आए हो, है ना? ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं ये बता सकता हूँ कि कल आधी रात को 12:30 बजे जब मैं पूजा खत्म करके मैं प्रेतों को अपने कब्जे में करके नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, जहां पांकी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ओ, देखता हूं कि एक लड़की मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही है। जालतू जलालतू आई बला को टालतू, जालतू जलालतू आई बला को टालतू, जालतू जलालतू आई बला को टालतू। पांकी देवी, कौन है वहां?
इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो तनुजा जैसी लग रही हो। तनुजा, तनुजा, ये कुछ बोलते क्यों नहीं? ये तो तनुजा नहीं है। अरे बाप रे, ये तो गायब हो गई। सिर्फ इतना ही हुआ था? लेकिन ठीक एक मिनट के बाद मैंने सोचा कि उससे एक बात पूछ लूं। क्या पूछा आपने उससे? अरे पूछने से पहले वो गायब हो गई भाई। उसके साथ कोई और भी था? नहीं, वो अकेली ही थी। तू 100 साल जिएगी? क्यों, क्या हुआ माजी? अभी मैं तेरे बारे में ही पूछ रही थी। ओ, तनुजा तुम जरा इसे संभालो, मैं राशन की लिस्ट बना लेती हूँ। तुमने पूरा पेमेंट कर दिया कल के लॉट का? श्रीधर को अभी भी कुछ पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं आधा ही पेमेंट कर पाया कल। इस मामले में तुम्हारे पिताजी सही थे, उन्होंने दूसरों को उधार दिया पर खुद कभी उधार नहीं लिया, इसीलिए हमारे सर पर आज ये छत है। समय अब बदल चुका है, आज कोई भी उधार के बिना काम नहीं करता। मीलों की संख्या भी तो बढ़ चुकी है ना, अगर माल हमसे नहीं मिलेगा तो किसी और से मिल जाएगा। जहां तक श्रीधरन की बात है तो उसके साथ हमारा नाता कोई नया तो नहीं है ना? अरे मैंने तो ऐसे ही बोला। माँ चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तनुजा ये सब उठाकर अंदर रख दो। हाँ। देख रहा है? मैं वो चाबी भूल गया था मैं। रोज का है ये तुम्हारा। ये देखो, यही है ना? भूल जाता हूँ कभी कभी। चलता हूँ। तनुजा लाओ बेबी को दो मुझे। सो गया लगता है ये बच्चा। ओ माँ के पास आजा, आजा, आजा। आजा आजा, चल चल। क्या हुआ अप्पू, खाना क्यों नहीं खाया? अप्पू बेटा क्या बात है, थोड़ा तो खा लो बेटा। अप्पू अप्पू क्या बात है माँ? उसे अब अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं भी वही सोच रही थी माँ। अप्पू बेटा, अभी तक माधवन का हिसाब बनाया है या नहीं बनाया? उसके खाते का हिसाब कल कर देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, आज ही करना होगा। कल सुबह तो उसका अकाउंटेंट आ रहा है और कल तुम्हें लेबर ऑफिसर से भी मिलना है ना, तो कुछ दिन मुझे काम से छुट्टी चाहिए, थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी बंद हो जाएगी, यही कहना है ना? कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देखिए आपका मतलब चाहे कुछ भी हो, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। 24 घंटे सिर्फ कंपनी कंपनी का काम करते करते थक गया हूँ मैं।
ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ए वासु। हाँ, हाँ भाई, मुर्गन किधर है? पता नहीं कहाँ गए, जब से गए हैं वो वापस नहीं आए। पर गया कहाँ है भाई, ये बताओ तनुजा की कोई खबर मिली क्या? मैंने सभी जगह देख लिया है, कुएं तक में झांक कर देख लिया। लेकिन भाई वो कहाँ गई होगी? पता नहीं किस हाल में होगी वो, मैंने आज तक उसके ऊपर एक बार भी हाथ नहीं उठाया, वो ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन भाई मालिक आएंगे तो आप उनको क्या जवाब दोगे? आपने कहा था तनुजा की शादी आप उनसे ही करेंगे, शादी के लिए आपने उनसे पैसे भी लिए थे। ये मामला अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। क्या ऐसा ही करूं? बिल्कुल, लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो पुलिस तो यही पूछेगी ना। अभी तक आप लोगों ने लड़की की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, तब क्या जवाब दोगे? वो मैं हाँ, तब क्या तुम ऐसे ही हकलाओगे? बोलो, अभी के अभी पुलिस में जाओ, इस मामले में पुलिस ही मदद करेगी। नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। हाँ, क्या बात है सर? ये अप्पू टिम्बर्स वालों का घर है ना? हाँ। आप अप्पू की माँ हैं? हाँ। गुमशुदा तनुजा यहीं पर काम करती थी? अरे नहीं सर, वो मेरे घर के कामों में हाथ बटाती थी सर, हमने उसे कभी नौकरानी जैसा नहीं समझा। हमें उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ठीक है सर, अंदर आ जाइए आप लोग, बैठिए सर। ये कौन? ये मेरी बेटी रुक्मिणी, इसके पति कोल्लम की एक कंपनी में काम करते हैं। किस तरह की लड़की थी तनुजा? सच बात तो ये है सर कि वो बचपन से यहीं पली बढ़ी थी, वो मेरी बेटी जैसी थी सर। क्या बात है बच्चे, तुम्हें उनके साथ खेलना है? क्या नाम है तुम्हारा? तनुजा। तनुजा, कहाँ रहती हो तुम? वहाँ उस तरफ। ओ, कॉफी पियोगी? अंदर आओ, आओ ना बेटी। अप्पू। हाँ माँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, उस लड़की को ले आओ। क्यों, किस लिए? कॉफी पीने हाँ। के लिए। चलो कॉफी पीने के लिए। नहीं मुझे नहीं पीनी है। ऐसा नहीं बोलते, हमें माँ की बात सुननी चाहिए। चलो चलो। मैंने कहा ना नहीं पीनी मुझे। चलो ना। नहीं।
सच कह रहा हूँ, कंपनी की कैंटीन का खाना खाके मैं पक गया था। घर का खाना खाके मन को शांति मिल गई। बहुत अच्छा खाना है। रुक्मिणी को लेकर जाओगे तो वहाँ भी घर जैसा खाना मिलेगा। ऐसा नहीं, मैं इसे ले जाना नहीं चाहता, बस एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए फिर इसे और बच्चे दोनों को ले जाऊंगा। ठीक है ना? माँ ये सोचती है कि सरकारी क्वार्टर्स में रहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो बाकी लोग वहाँ कैसे रहते हैं? अरे वहाँ जो लोग रहते हैं वो पहले ज्वाइंट फैमिली में थे, वो इसलिए वहाँ पर रहने आते हैं ताकि उन लोगों को ज्वाइंट फैमिली से छुटकारा मिल सके, और कुछ नहीं। पर ये क्या उस टाइप की है? शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, एकदम शुद्ध हवा और बिना कीटनाशक की हरी सब्जियाँ, इससे ज्यादा सुख किसी औरत को और क्या चाहिए? पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए, भले वो जगह नरक हो। जब इतना इंतजार किया थोड़ा और कर लो, कुछ दिन की बात है बस, तुम जरा धैर्य रखो। मैंने हम लोगों के लिए एक बढ़िया सा घर भी देखा है, हाँ बस प्रमोशन मिलने का इंतजार है। हंसने वाली क्या बात है, मैं ऐसी वैसी प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, देख लेना मैं इसे जरूर लेकर जाऊंगा। हाँ। तनुजा तुम इतनी शांत क्यों खड़ी हो? दीदी सही कह रही है कृष्णा भैया, कितने सालों से यहाँ अकेली रह रही है। हाँ, हाँ, बताओ जरा इनको। मतलब तुम दोनों एक ही साइड में हो, पूरी औरतों वाली हरकतें, एक बार शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेंगी, अब बस मेरा हो गया। अरे अरे, खाना खाने से मना एक निवारा और खाया तो सीधा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा अपचन की वजह से, तो मुझे पीने के लिए कुछ दो। वो आ जाएगा वापस, तुम बैठो और खाओ। दीदी कभी कभार तो पति की झूठी थाली में खाने का मौका मिलता है, बैठिए ना। तनुजा तुम भी बैठो, हमारे साथ खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख लगेगी, पूरे समय तो किचन में रहती है और चारों तरफ खाना ही खाना रखा रहता है, एक एक चम्मच सब में से ये चख लेती है तो फिर भूख कहाँ से लगेगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम खाना खाओ। और देना। जब से तनुजा गायब हुई है कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। छानबीन खत्म होने तक हम इंक्वायरी के लिए आते रहेंगे। ये अप्पू की मिल कहाँ पर है? ठाकुर साहब के बंगले के पास, कोई भी बता देगा आपको। मुझे पता है सर। देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, नए सीए हैं इसलिए थोड़े उतावले हैं। थोड़े दिनों में सब ठंडा हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चलता हूं मैं अभी। हे भगवान, अप्पू कहीं कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे। पता नहीं अब इस मामले की वजह से और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। तुम ऐसा मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। ओहो लगता है ये उठ गया। आ रही हूँ मेरे बच्चे। क्या हुआ, झांक झांक कर क्या देख रही हो, क्यों आई हो यहाँ पे? वो मुझे एक जरूरी बात करनी है। तो बोलो ना। वो मुझे अप्पू बेटा, वो हाथ गाड़ी वाले आए हैं, जो लकड़ियां कट गई हैं मैं उनको दे दूं क्या? कौन कौन आया है? एक तो उत्तम है, दूसरा हसन है। ठीक से गिन कर दे देना और हिसाब की किताब में लिख लेना, क्योंकि अपने उत्तम साहब एक नंबर के भुलक्कड़ इंसान है। ठीक है। हाँ ठीक है। वो मुझे कुछ बोलना था। हाँ जल्दी से बोलो। एक राज की बात है। हाँ? इतनी कौन सी बड़ी राज की बात है? मुझे चाहिए। साहब जी। अरे अरे कहाँ जा रही हो, बताओगी नहीं? माधवन सर ने अपने खाते का हिसाब मांगा है, उनको अपनी पेमेंट सेटल करनी है। अरे रुको तो सही, मैंने सारा हिसाब इसमें लिख दिया है, तुम यहाँ बैठो और देखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तनुजा, तनुजा, अरे क्या तुम भी बच्चों जैसी हरकत कर रही हो? वहां मैं राज की बात बता ही नहीं पा रही थी। ऐसी कौन सी राज की बात है और घर पर क्यों नहीं बताया? आओ। हाँ बोलो, कौन सी राज की बात है? वो तुम्हारे कान में बताऊंगी। इतना बड़ा राज है वो? जल्दी बोलो, बोलो। मुझे ब्रा चाहिए। ये तो ज्यादा ही बड़ा राज था। जाओ ना अप्पू, मेरे लिए शहर से ले आना। तुम्हारे लिए ही चाहिए ना, ला दूंगा। सुनो,
जरा साइज तो बता दो। ओ, मैं तो भूल ही गई। अगर कहो तो नाप लूं। ये साइज छोटी नहीं होगी ना? जाओ ना अप्पू। तुमने सारी लकड़ियों की सही तरीके से गिनती कर ली है ना? अगर अप्पू ने हाँ बोला है मतलब सब सही है। ये हमारा पहला सौदा है, देखते हैं। आप हम पर 100% भरोसा कर सकते हैं। भरोसे पर तो दुनिया टिकी है। खाना यहाँ खड़े रहकर खाना खाऊंगा। ओके अप्पू जी, चलते हैं। ठीक है सर। नमस्ते साहब जी, आप किसी भी बात की चिंता ना करें। अच्छा, मुरुगेशन क्यों आया था तुम्हारे घर पे? मुझे मिलने। किस लिए? क्या ये इतनी बड़ी बात है? कई लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, और वैसे भी तुम्हें क्यों इतनी चिंता? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि वो क्यों आया था। मेरी और उसकी शादी की बात करने। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा सोचकर बताऊंगी। अप्पू ये क्या? चलो आओ खाना खा लो। नहीं खाना है तुम्हारे हाथ का खाना, जाओ उसी नमूने को खिला दो। अप्पू इधर आओ और खाना खा लो। बोला ना नहीं खाना है। अप्पू मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ आओ और खाना खा लो। मैं मजाक कर रही थी बाबा, चलो आ जाओ। नहीं खाना है मुझे। तुम तो मेरी जान हो अप्पू, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ये तुम दिल से कह रही हो? और नहीं तो क्या, और किसे मैं मेरी जान कहकर पुकारूंगी क्या? वादा करो। वादा रहा। वासु, हाँ? क्या हुआ भैया? तेरा मालिक कहां पर है? कौन मालिक? कोट्टई मुरुगेशन। मालिक अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। अकेला या कोई और साथ में है? हाँ, इस बार तो अकेले ही गए हैं। बोल रहे थे अगली बार वो तनुजा के साथ शादी करके साथ जाएंगे। वो दोनों शादी करने वाले हैं, ये तुझे किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, मैंने सुना जब मालिक लोग शराब पीकर नशे में शादी की बात कर रहे थे। कुछ बोल कर गया कब आएगा? बोला एक हफ्ते में आएंगे। वहां से यहीं पर आएगा ना? यहीं आएंगे, यहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे वो? तो फिर ठीक है, जैसे ही वो आए मुझे खबर करना। हाँ। तूने मुझसे सब सच ही बोला है ना? हाँ बिल्कुल, भगवान की कसम खाता हूँ सच बोला मैंने। चल ठीक है। ये लो पियो। ओह मैं नहीं पीता। किधर से लाए? तालाब के किनारे जो रहता है। अच्छा, चिरुथी के घर से? जी हाँ। उसका माल बहुत बढ़िया रहता है, आज पीने में मजा आएगा। तुम भी लो, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? फिर तो मुझे ही पीना पड़ेगा। मजा आ गया। देवी के मेले में जो आतिशबाजी होती है वो मेरे अंदर हो रही है। अब बोलो तुम्हें क्या परेशानी है? ये मुरुगेशन के बारे में आप क्या जानते हो? तुम क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? जो भी आपको पता है वो सब बता दो।
ऐसी बात है, जब एक गिलास और अंदर जाएगी तो मेरे अंदर से सारी बात बाहर आएगी। ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। पिल्ले की लड़की तनुजा उसके दिमाग में है, ये बात मैं समझ गया था। वो आया भी था मेरे पास। फिर कन्हैया, हाँ, हे भगवान, कन्हैया, मैंने बोला रुको, रुको ना कहा। सुन कन्हैया, मुझे वो चाहिए। मुझे नहीं लगता सीधी उंगली से निकलेगा, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत। तो कन्हैया तुम ही बताओ ना क्या करूं। मैं रास्ता बता सकता हूँ, पर उसके पहले तुम मुझे कुछ ऐसा दिखा सकते हो जिससे मेरे दिमाग की बत्ती जल जाए। अभी तो मेरे पास बस ये ही है। ये तो लक्ष्मी है, इसके साथ ऐसे खेलते नहीं है। ये एक वशीकरण ताबीज है, इसे बिना किसी को बताए तनुजा की कमर में बांध देना। उसके चार दिन बाद वो तुम्हारे कदमों में गिर पड़ेगी। हाथ आगे बढ़ाओ। ओम भट्ट स्वाहा। अगर उसने बांधने से मना कर दिया तो? अरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो मुर्गन। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे। सदा सुखी रहो। आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? सारा पासा ही उल्टा पड़ गया। दीदी लगता है कोई है नहीं। हाँ? दीदी, दीदी तुमने मेरा काम कर दिया ना मुर्गन। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसने तो मना कर दिया पहनने से। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो, तो देखो मैंने ही पहन लिया। मुर्गन आओ ना। ये क्या दीदी तुमने? अंदर चलो ना मुर्गन। ये क्या कर रही हो दीदी? अरे अंदर चलो ना, सुनो मेरी बात। मुझे अंदर चलो। दीदी क्या कर रही हो? नहीं दीदी सुनो, चलो ना मुर्गन अंदर आओ। मैं कह रही हूँ ना, अरे आओ ना मुर्गन। तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? अंदर चलो, ये गलत है मुर्गन। मत जाओ मुर्गन। कहाँ जा रहे हो? मत जाना। ओह पूरा खत्म कर दिया। ला दो मुझे दो खाना। जाओ चूल्हे में आग ठीक से जल रही है या नहीं देखो। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। छे आज कैसे आना हुआ अप्पू? मैं वो कन्हैया जी से मुर्गेशन के बारे में जानना चाहते हो ना? मुर्गेशन वैसा नहीं है जैसा इसने बताया। वो तो एक असली मर्द है, जोशीला, ताकतवर और ओम भट्ट स्वाहा। विष्णु भजम ओम भट्ट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम भट्ट विष्णु तीन पांच। ओह जैसे एक नाग फन फैलाकर अपने शिकार को डसने का मौका ढूंढता है, वैसे ही तुम्हारे सारे ग्रह बस एक मौके की तलाश में बैठे हैं। देखते हैं इसका कोई उपाय है कि नहीं। मंगल देखो, तुम छिप छिप कर तंग करने की बजाय तुम जो है सामने आकर वार करो। या तो तुम इधर आओ या तो मैं उधर आता हूं। अगर मैं उधर आया तो खेल कैसे खेलते हैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूंगा।
शुक्र थोड़ी मदद कर सकता है इसमें, क्या तुम साथ दोगे? तो तुम्हें शुक्र को निमंत्रण देना पड़ेगा। चलो निमंत्रण भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। बुध भी शनि पर भारी पड़ सकता है, पर बुध में कितनी ताकत है देखना पड़ेगा। मेष धनु तुला वृश्चिक कुंभ मकर कन्या कर्क 24, 25, 26। अब मुझे पानी चाहिए थोड़ा सा। रानी जरा पानी लाना। नहीं, नहीं, उसे तकलीफ मत दो, मैं खुद जाकर ले लेता हूँ। सही कहा, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्वामी इस पाप के लिए माफ कर दो। हे भगवान माफ करना। कौड़ी चबा गया। प्यासे को पानी मिलेगा क्या? शेर जैसा फुर्तीला था। उसका तनुजा के साथ कोई रिश्ता था? ओह, ऐसे पूछ रहे जैसे तुम जानते ही नहीं। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं। तुम्हें बताओ तनुजा, पति के रहने का क्या फायदा? हमें घर का काम भी करना पड़ता है और बाहर भी जाना पड़ता है। ये बात तुम्हें कन्हैया से खुलकर करनी चाहिए रानी। ओह, उसे बात करके कोई फायदा नहीं है। कैसी हो रानी? मुर्गन आज जाने दे, मामला इधर ही छोड़। ठीक है, तू बोलती है तो आज जाने देता हूँ इसे। जा, जाना। जाने दे, भाग यहाँ से। अहे। और आप क्या क्या जानती हैं? मुझे लगता है तनुजा के दिल में मुर्गन के लिए कुछ और भी था। तुम अगर ऐसे ही कुरेद कुरेद कर पूछते रहोगे तो मैं और क्या बोलूंगी, वो धोखेबाज थी, तुमसे खेल रही थी। अगर मेरी तनुजा के बारे में एक शब्द और भी बोला ना तो मैं जुबान खींच लूंगा तुम्हारी, याद रखना। अरे रुक, अरे किधर भागेगा? छोड़ेंगे नहीं तुझे। अरे उठ, पता चलो, पता वो कहाँ है? वो एक हफ्ते पहले यहाँ से चला गया। तुझे पता है ना वो कहाँ गया? मुझे नहीं पता। पता होता है कि नहीं? उसकी एक चाची है। हाँ। उसी के पास गया होगा। उसके रिश्तेदारों में सिर्फ वो चाची जिंदा है। बताया कब लौटेगा? उसकी शादी है ना, तो वो देखना जल्दी आएगा। शादी? हाँ। किसके साथ? वो है ना अपने पिल्ले जी, उनकी बेटी से। कौन? वही जो इस गांव से गायब हुई है? हाँ, उसी से। पिल्ले और मुर्गन के बीच कैसे संबंध है? अरे जैसे संडास और मक्खी का होता है। देखो साहब, मैं गाँवटी आदमी हूँ, मुझे तो ऐसा ही समझाने आता है। हाँ, आगे बता। पिल्ले के घर में हमारे मालिक का खाना पीना होता था। हाँ। ये लो इसका मजा लो, कटहल और केले को मिलाकर दारू बनाई है, बढ़िया माल है, सिर्फ तुम्हारे लिए खास तौर से। पीले पीले सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा। लो पियो। मजा आ गया, बहुत अच्छी है। एक ग्लास और बनाओ ना। अरे एक घूंट में पियोगी तो गिर जाओगी, दूसरा ग्लास धीरे पीना। मुझे भी दो ना। अबे तू पिएगा? इस उम्र में पिएगा तो आतड़ियां जल जाएंगी तेरी। तू जा यहाँ से। बड़ों से ऐसी बातें करते हैं? हाँ। अरे छोड़ो ना, बच्चा है अभी। तू जा यहाँ से। ए चुप, जा अंदर जा, जा तू, जा ना। अरे शांत हो जा दीदी। तू जा यहाँ से। रोने दो इसे, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। ये तनुजा रोज इतनी ही देर से आती है क्या? नहीं, पता नहीं आज क्यों देर हो गई। ओ, तुम्हें उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं, जाओ मच्छी करी ले गया।
मुरलीधरन, रात बहुत हो गई है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज यहीं सो जाओ तुम, सुबह उठ के चले जाना। लो एक गिलास और पियो। लो तुम खाओ मुरलीधरन, पहले तनुजा को तो आने दो। खाओ खाओ। हाँ। गोपी किधर है? मैंने उसे अंदर ही खाना दे दिया है। हाँ। ए, थोड़ा पानी देना हाथ धोने के लिए। लो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों डराया मुझे? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर मटन लेकर आया था। हाँ तो क्या, पिताजी ने कहा कि मैं खाना खाकर ही जाऊँ यहाँ से। तो तुमने खाया नहीं क्या? नहीं ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या जरूरत है मेरा इंतजार करने की? तुम्हें प्यार से बात करना नहीं आता है क्या? मैं हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ, चल जा यहाँ से। तनुजा, तुम्हारी माँ, पिताजी और भाई सब सो गए हैं। इस चांदनी रात में सिर्फ मैं और तुम अकेले हैं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना यहाँ से चला जा। तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो, सिर्फ आज की रात। छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। मुत्तू। जी सर। ये सारी बोतलें उठाकर गड्ढे में छिपा दो। ठीक है सर। जा जल्दी से मछली फ्राई कर दे। तुम्हें यहाँ के मालिक हो क्या?
तुमसे ही पूछ रहे हैं। दो बोतल माल चाहिए। माल चाहिए? कौन सा माल? दारू चाहिए, और क्या? दारू? ये क्या दारू बेचने का अड्डा दिखता है? अरे शफी, उस बेवड़े ने तो यहीं का पता दिया था। हाँ, दिया तो यहीं का था। बैठे बैठे सोच क्या रहा है, दे ना कदे। कथा? हाँ, यही बोला मैंने। अच्छा, तुम मुर्गेशन नहीं है क्या? हाँ। तो फिर दारू देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहा है? समझ नहीं रहा है तू? अच्छा ये बता, वो छोटू है ना ट्रक ड्राइवर, उसको जानता है? हाँ जानता हूँ। हाँ, उसी छोटू ने तो तेरे पास भेजा है हम लोगों को। जरा देर लगी तुम्हें पहचानने में। चल पहचान तो लिया, मेरा नाम है पालू। लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार लोग मुझे किस नाम से बुलाते हैं? वो बुलाते हैं श्री पालू। हाँ, है? जहाँ मेला लगता है ना, वो देवी का मंदिर है, उसी के ठीक पीछे मेरा घर है। हा? ये जो छोटू है ना जिसका मैंने नाम लिया, वो मेरा खास दोस्त है। हमारी और उसकी यारी क्लच और गियर की तरह है, उसके दबाते ही मैं स्पीड पकड़ लेता हूँ। ऐसा बोलना चाहिए था ना, मैं तो डर ही गया था। आ, 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 अरे हम लोगों को पता होता कि तू इतना डरपोक है तो हम आते ही नहीं। और नहीं तो क्या। ठीक है ठीक है, तुम लोग वहां जाकर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अरे हम क्या भिखारी है। बहुत अच्छी जगह है, प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है। ये प्रकृति कौन है? कोई नई लड़की है क्या? हाँ है ना, तेरी चाची की बेटी है। जब तू स्कूल जाता था तब तो लंगड़ी लंगड़ी खेलते रहता था, थोड़ा पढ़ लिया होता तो। अरे तो मैं क्लीनर तो बन गया हूँ ना। किसने कहा तू क्लीनर बन गया है? तू तो एक नंबर का, एक नंबर का। क्या क्या, क्या? तू है ना? क्या समझा? समझ गया, ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब ये क्या है? बहुत सुंदर जगह है, और क्या। जरा दूर जाकर खड़े हो जा। अरे क्यों? क्योंकि अब मैं ये चप्पल फेंक कर तुझे मारने वाला हूँ। जरा दूर खड़े रहेगा तो चोट अच्छी लगेगी ना। अरे वहाँ नहीं मारो, दहेज देना बाकी है अभी। अब ज्यादा मुंह मत चलाना, मुझसे दूर ही रहना, समझा? आओ बैठो। अच्छी कुर्सी है। चक्कर देखने की जरूरत नहीं है माल कैसा है। माल तो एकदम कड़क है, सुबह सुबह पेट अच्छे से साफ होगा। देखना कहीं तू भी मत साफ हो जाना। तूने वापस अपना गटर जैसा मुंह खोल दिया। नाम 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 नाम, कुछ खाने के लिए है क्या? तुम लोग बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि मच्छी फ्राई हुई है कि नहीं। ये क्या है, नागिन डांस क्यों कर रहा है? मुझे भी दे देते तो। कुछ समझा? क्या समझूं? यहाँ सिर्फ प्रकृति ही सुंदर नहीं है, लोग भी सुंदर हैं। ये सुंदर नारी कौन हो सकती है? बाबा, मैं पूछ कर आऊँ क्या? तुझे मार खानी है क्या? बेटा उठो बेटा, हे भगवान, क्या हो गया बेटा, उठो। पर तुम यहाँ पर क्यों सोए हो, आए कब रात में? मुझे आवाज दी होती ना अप्पू। बेटा अप्पू, अप्पू क्या हुआ माँ? क्या हो गया है मेरे बेटे को, हे देवी माँ इसकी रक्षा करना। माँ आखिर हुआ क्या है? अप्पू कब आया? जब मैंने दरवाजा खोला तो वो यहाँ पर सोया हुआ था। हमें कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए, तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक तरीका है जिससे उसकी सोच बदल जाएगी और फिर वो ठीक हो जाएगा। Thank you.
हे भगवान। क्यों डर गई ना? मेरा रास्ता छोड़। नहीं छोड़ा तो? उस दिन का थप्पड़ भूल गया क्या? बहुत कड़क है मुर्गन का माल है। क्या बात है आज अचानक यहाँ? क्या है यहाँ आज पीने को? वही जो हर रोज होता है। तो एक ग्लास बना दो मेरे लिए। बनाओ बनाओ। ग्लास? लो पी लो। आज के बाद अगर तनुजा को हाथ लगाया ना तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा, याद रखना। जान ले लूंगा तेरी। उठो भाई उठो उठो, उठो। ओ तो ये मामला है। हाँ? गरीब लड़की पर डोरे डाल रहा है। मैंने उसे मना किया तो देखो गुस्सा आ गया, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। हाँ? जब तक मैं जिंदा हूँ उसे नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मैं उससे शादी करूंगा। हाँ? वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी है। हाँ? और किसी की भी नहीं। हाँ? ये उसका फायदा उठाने के चक्कर में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या ये उस लड़की से शादी करेगा? बस छोड़ देगा उसको। ऐसे ही होते हैं अमीरजादे। ऐसा हुआ तो उसकी मौत मेरे हाथों से पक्की है। तुझे उसे जवाब देना चाहिए मुर्गन। कान के नीचे एक बजा देते, तूने उसे ऐसे ही जाने दिया। छह तू भी ना, दम नहीं है तेरे में। मैं उससे सबक सिखा कर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम बस देखते जाओ। हाँ। मैं कैसे तमाशा करता हूँ। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ। हाँ, जो होगा हाँ, देख लेंगे। बाहर निकल निकल बाहर निकल 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 हिम्मत है तो निकल बाहर। डर गया क्या? अरे एक बात निकल बाहर निकल निकल पहले निकल। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। ऐ तू बाहर निकलता है कि नहीं? ऐ निकल बाहर, आजा। डर गया क्या मुझसे? ऐ बाहर कौन है? हाँ कौन है वहाँ? तेरा मरा हुआ पति। हाँ चला था क्या? हिम्मत है तो बाहर निकल, नीचे आके बात कर। पिताजी के बारे में क्या बोला? तेरे बाप कोई नहीं, तेरे पूरे खानदान को गाली दूंगा। हिम्मत है तो आजा। पप्पू पागल मत बनो, जाने की जरूरत नहीं है। मैं पागल नहीं, वो पागल हो चुका है। तेरा बाप तो था ही रंगीला, माँ भी कब नहीं है तेरी। माँ छोड़ो मुझे, तुम सुन रही हो ना वो क्या बक रहा है? बुढ़िया समझा दे अपने बेटे को, अपनी औकात में रहे। छोड़ो मुझे माँ। गांव की लड़कियों को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं वो आ गया ना। अरे रोका किसने? आके लड़ना, अंतड़िया निकाल के रख दूंगा, मार डालूंगा तुझे। तूने मुझे क्या बोला? मुझे क्या लगता है मैं गाली नहीं कर सकता? तू भी रुक। एक बार नहीं, एक बार नहीं, हजार बार। छोड़ो मुझे। अब तो माँ बेटे को मेरी ताकत समझ में आ गई ना। आगे से अपने बेटे को पल्लू में छिपा कर रखना, नहीं तो इसको मेरे चाकू से निशाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। कमाल कर दिया मुर्गन, तू तो छा गया। तेरा क्या कहना भाई? छा गया हूँ मैं। तुम लोग फुटो यहाँ से। तब तो उसको देखते ही तुम लोगों की हवा निकल गई थी। वो क्या है ना कि ये लोग तो बड़े लोग हैं, कुछ उल्टा सीधा हो जाता तू तो बच जाता, हम गरीब लोग हैं हम फंस जाते। हम लोग तो यही के है ना, नहीं तो हम लोग भी लड़ लेते। कोई बात नहीं, मुर्गन अपने वादे से कभी नहीं पलटता। हाँ, पिलाने को कहा था तो अब भी पिलाऊंगा। हाँ, आज का दिन खास है,
मजा तो करना चाहिए। चलो चलो चल के छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौन आई है? बिल्कुल माँ के जैसे संभाल रही है। इधर देखो, बताओ कौन हूँ मैं? कौन प्यार कर रहा है तुझे आज? कौन कर रहा है? बोलो 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 बोलो, कौन हूँ? देखो तो हाँ।
सफर ठीक रहा तुम्हारा? हाँ ठीक रहा। अंकल आंटी सब ठीक है ना? मैं चेंज करके आता हूँ। बेटी जब से आई हो तब से खड़ी हो, थक गई होगी। जाओ अपना बैग अंदर रख दो और चाय पी लो। इसे मुझे दे दो। अच्छा बस थोड़ी देर में, पहले मैं अप्पू से मिलूं उसके बाद चाय पीऊंगी। अप्पू। हाँ बोलो श्री देवी। क्या तुम्हें पता था मैं आने वाली हूँ? नहीं। आंटी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं। झूठे कहीं के। मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे। अच्छा ठीक है सुनो, मैं यहाँ आंटी और रुकू दीदी के बुलाने पे आई हूँ। यहाँ आने के लिए तुम्हें इनविटेशन की जरूरत है क्या? जरूरत तो नहीं, पर इनविटेशन मिलने के बाद आने का मजा कुछ और ही है। ये बात तो सही है। वैसे भी अब छुट्टियों में यहाँ बहुत दिनों तक रहना पुरानी बात हो चुकी है। श्री देवी अब बहुत बड़ी हो गई है ना, शायद इसलिए भी। तुम भी अप्पू, अब मजाक मत करो। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद देख लो। बहुत अच्छा है। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? नहीं बताऊंगी। शायद 2 दिन लगे होंगे। तो फिर चाय तैयार है? हाँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मुर्गेशन यहां तो कोई नहीं है। हाँ कहीं आसपास होगा। आप कहां जा रहे हो? तुझे क्या करना? तू एक काम कर, वहां जाकर बैठ। मैं पीछे की तरफ देख कर आता हूँ कोई है कि नहीं। पीछे देखने के चक्कर में आपके पीछे ना लात पड़ जाए। तू अपनी काली जुबान बंद रख, मुझे जाकर देखने दे। ज्यादा बकबक किया ना तो बहुत मारूंगा। मार के दिखा, आज मैं तेरा सर फोड़ डालूंगा। नालायक कभी सीधी बात नहीं करता, बहुत जुबान चलाते रहता है ना, तेरी जुबान ही खींच डालूंगा। चुपचाप जा उधर बैठ, जाके जो करना है करो। गधे की औलाद आज ये मरेगा। मुर्गेशन बापरे, कितनी बदबू आ रही है। कौन है? वो मैं हूं। ये मुझे पता चल गया तुम क्या पका रही हो। तुम्हारे हाथ से बनी हुई मटन करी की खुशबू आ रही है। जब मैं परोसूंगी तब खुशबू सूंघ लेना, समझ गए? तब तक वहाँ जाकर बैठो। हाँ चलो ठीक है, सामने ही जाकर बैठना है ना। वैसे मुर्गन किधर है? वो शहर गए हैं। और मुत्तू? वो चला गया। अरे मेरे परमेश्वर, कल ही तो उससे बात हुई थी, आज चल बसा। मतलब वो दुकान पे गया है? तो अच्छी बात ये है कि आज यहाँ कोई नहीं है। क्या? फिलहाल के लिए। संभल कर कहीं टकरा मत जाना। 440 वोल्ट का करंट है इसमें।
पागलों की तरह हंस क्यों रहा है बे? तेरा बाप मर गया है क्या? तू एक नंबर का मनहूस है, यहाँ पर बैठा हुआ था ना, इसीलिए वो शर्मा रही थी। तू यहाँ से जाने के लिए क्या लेगा बोल? तो एक बोतल तेरे मुंह में ठूस देता हूँ। अच्छा, आज इस भूखी आत्मा को तृप्त होने दे मेरे बाप, तू जाने का क्या लेगा? जाता हूँ, बिना लात खाइए जाएगा नहीं आज यहाँ से। ओ मेरा आज्ञाकारी बच्चा, दारू के लिए कुछ भी करेगा, तुझे तो जेल में डाल देना चाहिए। मुर्गन, तनुजा, अब तुम दरवाजा खोल सकती हो, जरा एक बोतल तो पकड़ा देना। मुरुगन के आए बिना मैं तुम्हें कोई बोतल नहीं दूंगी। तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों बात करती हो? हम दोनों एक ही इलाके के मजदूर लोग हैं, आपस में ऐसी बात करते हैं? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? पहले तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना चाहता हूँ। मेरे पास रसोई का बहुत काम है, फिलहाल तुम यहाँ बैठकर अपने आप से बात करो। अगर इंसान अकेले में बात करेगा तो लोग उसे पागल कहेंगे। अरे, इसने तो मेरी नाक ही काट डाली। चलो यहीं बैठता हूं। क्या हुआ, मामला सुलझ नहीं पा रहा है क्या? मैंने इससे भी बड़े बड़े मामले सुलझा दिए हैं। अभी तो बात शुरू हुई है, शुरुआत में तो औरतें नखरे दिखाती ही हैं। अरे आप लोग काफी देर से हैं। इतने से हटना नालायक, कहाँ गायब हो गए थे? बोतल नहीं मिल रही है। बोतल नहीं मिली, तनुजा से ले लेना चाहिए था ना। अरे हम लोग शरीफ लोग हैं भाई, जिस घर में अकेली औरत हो उस घर में हमें जाना ठीक नहीं लगता। अरे तुम्हारा अपना ही घर है, इसमें ठीक नहीं लगने वाली क्या बात है? तो ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अब बैठने का नहीं सोने का इरादा हो रहा है, कैसी रही मेरी चाल? आपका क्या कहना मास्टर, अब हम दोनों साथ साथ तातैया तातैया करेंगे। तुझे पता है ना पालू अन्ना आए हैं? हाँ पता है। तो उन्हें कुछ खाने के लिए क्यों नहीं दिया? अच्छा खासा धंधा मिलता है उनसे, ये कभी भूलना मत। अब सुन, जल्दी से दो तीन मछलियां फ्राई कर दे और मिर्च की चटनी साथ लेकर आ जा। तातैया तातैया हो, पीलो, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, पीलो। तेरा माल तो यार कमाल का कड़क है। अच्छा मुर्गन, ये छोटे मोटे धंधे करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो जो देवी के मंदिर पर मेला लगता है तूने सुना है? हाँ सुना तो बहुत है। हाँ तो इस बार मेले में मैं सोचता हूँ कि हम दोनों मिलकर पटाखों की दुकान लगाएंगे। मैं बाजार से अपनी लॉरी में पटाखे लेकर आऊंगा और तू बेचना, फिर हम माला माल हो जाएंगे मुर्गन। सही है, ऐसा हो सकता है? सही है, था। पर खर्चा तो बहुत करना पड़ेगा ना। तुम खर्चे का मत सोचो, सिर्फ अमीर बनने की बात सोचो, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। अब तुम मुझे लालच दे रहे हो भाई। ललचाने वाली बात नहीं है, इस बिजनेस में हम दोनों पार्टनर रहेंगे, 50-50, जो तेरा हो मेरा, जो मेरा हो तेरा। मेरी बात तुझे मंजूर है? मंजूर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल मंजूर है। इधर आ, एडवांस के पैसे इसको दे। अरे तू वहां क्यों हाथ लगा रहा है? नोटों का गोल बंडल बनाया है क्या? अरे तुझे गिनती आती है क्या? चल चुपचाप दे दे। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे धंधे में तनुजा खिलाने पिलाने का काम करे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। पता नहीं वो मानेगी भी या नहीं, पूछ कर तो देखो। वो मानेगी क्यों नहीं? उसे तो सिर्फ खिलाना पिलाना है ना, लेकिन तुम तो लाखों बटोरोगे। हम सारे बेवड़े मिलकर तुम्हारी जिंदगी बना देंगे
और जब अगले साल मेला आएगा ना तो लोग कैसे बुलाएंगे जरा बता। मॉर्गन सेठ, समझ गए ना? हाँ। अब बोलो, अब तो तसल्ली हो गई ना? हाँ, तसल्ली हो गई। हाँ। मैं उसे ये दिखा कर आता। जाओ जाओ, प्यार से दिखाओ, जाओ दिखा कर आओ। पटाखे फूटने की शुरुआत हो गई। मजा आएगा मास्टर जी, मजा आएगा। तो होशियार कौन है, आपके सिवा कौन हो सकता है? ये ले, तू भी पी ले, पी ले। अतड़ियां जल जाएंगी, संभाल कर। हाँ आंटी, रुको दीदी, मैं सिनेमा देखने जा रही हूँ, आने के बाद आप लोग को कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। छोटी सी थी, फ्रॉक पहनती थी, तब से इस घर में घूमती रहती थी। देखो तो अब कितनी बड़ी हो गई है। मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। मेरे भी। आंटी, आंटी। हाँ, क्या हुआ? अप्पू कहाँ है? वो चला गया होगा काम पे। अरे बिना बताए चला गया। अप्पू सुनो, अप्पू एक मिनट रुको तो सही। अप्पू सुनो, अप्पू रुको, मैं भी आ रही हूँ। पैदल क्यों चले आए? अपनी गाड़ी क्यों नहीं लाए तुम? वो आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्यों, क्या हुआ? बुखार है क्या? नहीं नहीं, थोड़ी सी बेचैनी है। तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सजने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करती मैं। सॉरी श्रीदेवी। अरे कोई बात नहीं अप्पू, हम दोनों तैयार तो है ही, चलो आसपास घूम के आते हैं, ठीक है ना? चलो चलो ना, चलो। पीने वाला का पीने का बहाना चाहिए, पीने वाला का। ए ए मुत्तु, ए मुत्तु, ए अरे वाह,
तनुजा, तनुजा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मैं मुरुगन। मैं नहा रही हूँ। नहा कर आती हूँ। तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम नहा लो, कोई जल्दी नहीं। तनुजा, शहर में भीड़ बढ़ गई है। सिर्फ भीड़ ही नहीं बढ़ी, भाव भी बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में घर चलाना मुश्किल हो जाएगा इस छोटे से धंधे से। हाँ, इस थैली में साड़ी और लहंगा है, जल्दी से पहनकर दिखा दो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी जान हो। खाना खाते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या बोल रहे हो, चलो खाना खाते हैं। मुझे खाने की जरूरत नहीं है तनुजा। तनुजा, तुम बहुत सुंदर हो तनुजा, मेरी जान। सुनो। क्या हुआ अपू? क्या हुआ अपू? बोलो ना क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये अपू, अपू, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो अपू। मुर्गन, मुर्गन, आई, मुर्गन भाई, जाओ दो बीड़ी के बंडल खरीद कर लाओ, एक खत्म हो गया तो दूसरा बंडल काम में आएगा। हम लोग कहाँ हैं? आहा, तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे और मैं इस ठंड में गाड़ी चला रहा था। जाओ बीड़ी लेकर आओ। तनुजा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। खाना पीना सब भूल गया हूं। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि सिर्फ एक बार, सिर्फ एक रात के लिए आ जाओ। छोड़ो मुझे। क्या हुआ तुम्हें? किसको उधर? इस तरफ ठंडी हवा लगेगी। नहीं, चलो मैं इधर बैठूं। किसको उधर? कहा ना थोड़ा उधर जाओ। बोला ना नहीं। क्या हुआ इसको? अब मुझे क्या पता। बोला ना नहीं बैठूंगी। किसको ना? अब्बू,
मेरे अब्बू, अब और सहन नहीं होता। ऐसा क्या हो गया जो इतना रोना धोना मचा रखा है? ये बोलते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने एक बार हाथ लगा लिया तो क्या हो गया, तू गल गई क्या? फालतू की बकवास मत करो। मुझसे ज्यादा शर्म लिहाज की बात मत करना। मुझे पता है उस अमीर जाजा के साथ कितने गुल छर्रे उड़ाए हैं, वो सब भूल गई क्या? अप्पू के बारे में कुछ मत कहो। पवित्र नारी होने का दिखावा मत कर, मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को पता है तुम दोनों की वो रास लीला। कह रही हूँ अप्पू के बारे में कुछ मत कहो। अच्छा, बहुत मिर्ची लग रही उसके बारे में सुनकर। ये तो मैं हूँ जो तुम्हें अभी तक पाल रहा हूँ, मेरा धंधा चलाने के लिए तुम्हें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। दरिंदे हो तुम। दोबारा मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत की ना तो कह देता हूँ हाथ काट दूंगा तुम्हारे। ये मुरुगन जो चाहता है वो करके दिखाता है, कपड़े उतारने को कहूँ तो उतारने पड़ेंगे तुझे, वरना ये हाथ देख रही है ना, इससे तेरा गला घोट के रख दूंगा और लाश को पहाड़ी के नीचे फेंक दूंगा, समझी ना? अपने तेवर काबू में रख। मुझे लगता है तनुजा के दिल में मुर्गन के लिए कुछ और ही था, वो धोखेबाज थी, तुमसे खिलवाड़ कर रही थी वो। बहुत लोग आते थे, मालिक भी जाते थे, वो सबको शराब पिलाती थी, वो वहां रुकते भी थे। प्रमोशन तो हो जाएगा मगर बोनस ना कम हो जाए। मुर्गन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो पिल्ले अन्ना से मिलने आया हूँ। काम धंधा कैसा चल रहा तुम्हारा? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है, मैं चलता हूँ। इस बार सब कह रहे हैं कि मैं यूनियन सेक्रेटरी के चुनाव के लिए खड़ा हो जाऊं। मुझसे मिलने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? मुझे इस बात का शक है कि तनुजा का किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध है। मुझे तो लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई है, और अगर नहीं तो किसी ने अपनी हवस मिटाने के बाद उसे पहाड़ के नीचे ढकेल दिया होगा। अप्पू, ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। इतने पैसे? ये तो तुम्हारे ईमानदारी का इनाम है बेटा, रख लो इसे। मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। अप्पू, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, फ्री में नहीं दे रहा हूँ, ले लो। नादर जी जो बोलते हैं वही फाइनल होता है। थैंक्स। इसके बाद की सारी डील हम फोन पर कर लिया करेंगे। ठीक है सर जी। ठीक है अप्पू, अब हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। चलते। हाँ जी। नमस्ते गणेश। हाँ नमस्ते। अप्पू बेटा, ये पोस्टमैन ने दिया है। पढ़िए इसे ठीक से। अप्पू के लिए चिट्ठी है तनुजा की तरफ से। इतने बुरी तरीके से आप कैसे बात कर सकते हो उससे? इतनी खरी खोटी सुनाई उसे? ऐसा क्या बुरा किया था उसने आप लोगों के साथ, बताइए।
अब अगर इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो बाद में मत बोलना कि ऐसे कैसे हो गया। मुझे नहीं लगता ये कोई इतना ध्यान देने वाली बात है। अरे तनुजा और अप्पू साथ साथ पले बढ़े हैं, इसीलिए दोनों साथ साथ घूमते रहते हैं। वो दोनों अब बचपन के दोस्त नहीं रहे, तनुजा अब जवान हो गई है। कुछ भी मत बोल। माँ इसे ऐसे नजरअंदाज मत करो, रानी जो बोल रही वो सही है। हाँ। रुकु ने ये बात एकदम सही बोली है, मैं तो लोगों की भलाई के लिए ही बोलती हूँ, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, अब ये मानना या ना मानना ये तुम लोगों पर है। वहीं रुको। आज के बाद तुम यहाँ पर मत आना। माँ जी, तुम्हें बचपन से पाल कर बड़ा किया मैंने, अगर तुम इस परिवार की भलाई चाहती हो तो यहाँ दोबारा मत आना। माँ जी, मैं बस बहुत हो गया, नाटक बंद करो और मेरे भाई को शांति से जीने दो। हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाला वो इकलौता है, उसे खराब मत करो। लाइए मुझे दीजिए। मत रो माँ, मैं हूं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ उसे बुला कर लाओ। सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैं जब नुक्कड़ की दुकान पर गया था तो उस दुकानदार ने मुझे बहुत कुछ बताया। अरे कृष्णा जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले। यूं अचानक कैसे आना हुआ? जब सारी चीजें अचानक से होने लगे तो अचानक ही आना पड़ेगा ना। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? उस मुर्गन ने यहां पर आकर हंगामा क्यों किया था? तनुजा से तेरा क्या रिश्ता है बता? ओहो, तो इन्हीं लोगों ने प्लान बनाकर आपको यहां पर बुलाया है, सही बोल रहा हूं ना? चलो अच्छा है आप आ ही गए, अब मेरी बात भी आप तीनों सुन लीजिए। मैं और तनुजा एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो मेरी जिंदगी है, ये मैं बता दे रहा हूं। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा और इस मामले में मुझे किसी के नसीहत या सलाह की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की शादी करवाने की इतनी जल्दी क्या है अप्पू की माँ? बड़ी हो गई है अब वो, इसीलिए कह रही हूँ बस। पर अचानक से ये बात करने की? बात ये है कि आप लोगों ने हमारे परिवार की बहुत सेवा की है और इसीलिए ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी शादी में आपकी मदद करें। पर अचानक आप लोगों का आना और उसकी शादी के बारे में सोचना जरा मेरे समझ के बाहर जा रहा है अप्पू की माँ। शादी
शादी के लिए आपको जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे। उसकी शादी को लेकर आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी बेटी है और मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। एक बात सुन लो, अगर किसी ने भी उसे कहीं पर भी छुपा कर रखा होगा तो मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसके मिलते ही उसे शादी करूंगा और इसी घर में लेकर आऊंगा, आप सबसे आखिरी बार मिलाने। अप्पू, अप्पू, बेटा। माँ जी, मैं तुम्हारे पास एक विनती लेकर आई हूँ। मुझसे विनती? ये आप क्या कह रही हैं? आज से तुम अप्पू के सामने मत आना और उससे मिलना भी मत। माँ जी, मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसे प्यार किया है उसी अधिकार से बोल रही हूँ, तुम उसे छोड़कर कहीं चली जाओ। अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़े तो तुम कर लो, मेरी कसम खाकर वादा करो कि तुम उसे भूल जाओगी। ऐसा मत कहिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी पर अप्पू को नहीं भूल सकती। नहीं नहीं, जान नहीं देना, तू मर गई तो वो भी मर जाएगा, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तनुजा तू उसकी जिंदगी है, मरने की बात मत कर। ठीक है, आप शांति से जाइए, मैं आज से आपके बेटे से नहीं मिलूंगी। दो पकड़ो इसको, जल्दी करो। ला ला ला, संभाल के। सारा माल चढ़ा दिया ना? हाँ चढ़ा दिया, तो अब दो दो घूंट हम भी पी लें। पूछने की क्या जरूरत है, चलो चलकर पीते। हाँ, अबे गधे तू कहाँ रहा, यहीं रुक।
अगर पुलिस की नजर पड़ गई ना तो हम सब जेल में चले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो यहीं रुक। ए, ध्यान से। आओ। ए, चल उठ। अरे उठ ना। पालू अन्ना को बैठने दे। तुम बैठो अन्ना। बैठो बैठो, अपना ही घर है, पूरा हक है तुम्हारा हर चीज पर, बैठो। भाई बिल्कुल परेशान मत हो। देखो अपनी किस्मत अच्छी है कि पालू अन्ना जैसा आदमी मिला है, वो अंडा मछली और मटन सब इनको दे दे। अन्ना मैं जरा बाहर से हो। अरे कहाँ जा रहे हो? अन्ना बाहर भी लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। मैं बस उनको देकर आता। वाह आदमी हो तो तुम्हारे जैसा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तनुजा पालू अन्ना हमारे मेहमान है, अच्छी तरह खातिरदारी करना इनकी, समझी? ये क्या तनुजा, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम मुझसे प्यार करोगी तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। ऐसे क्यों बैठी हो? खाना निकालो, मैं खाऊंगा। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत कमजोर लग रही हो, अंडा खाओगी? ये लो खा लो। मुझे नहीं चाहिए। इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? नहीं चाहिए तो प्यार से बोल दो, पर पालू तो खाएगा अंडा। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, पीने वालों को पीने। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये क्या तनुजा, इतने नखरे मत दिखाओ ना। अरे तुम्हें भी तो मजा आएगा। तनुजा मेरी बात मान जाओ, मेरी रानी। तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ कोई नहीं आने वाला, यही तो मेरा प्लान था। इसी बात पर तो तुम्हारे पति से धंधे की बात हुई थी। तुम अगर चीखना चिल्लाना बंद करोगी तो हम शांति से कर सकेंगे। चुम्मा चुम्मी, मेरी बात समझ गई? अब शांति से आ जाओ, काम निपटाते हैं मेरी तनुजा। चल उठ जा, निकल यहाँ से। कोयता मत घुमाओ, लगेगा तो खून निकल जाएगा। मैं तेरा सर काट दूंगी। आ, सर काट दोगी तो तुमसे प्यार कैसे करूंगा? कोयता नीचे रख दो। बाहर निकल। ये क्या इतने तेवर क्यों दिखा रही है? निकल बाहर। अरे जाता हूँ, शांति से भी बोल सकती है ना। अरे जा रहा हूँ मेरी जान। जरा रुक जा, दारू तो पी लेने दे। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जा, निकल जा यहाँ से। अरे जा रहा हूँ, क्यों इतना गुस्सा? चला जा, चला जा, चुपचाप चला जा। अरे शांति रख। सुना नहीं क्या? निकल जा, नहीं तो सर काट। आज मेरी जिंदगी में बाहर आने वाली है, इसलिए मजे करो, मजे करो, मजे। बंद करो ये चीखना चिल्लाना। क्या बात है, क्या हो गया? हुआ? ए, इसका सामान नीचे उतार। ए, रुको, पर किस लिए? किस लिए? चुपचाप मेरे सारे पैसे वापस कर। ए, पर बताओ तो बात क्या है? तेरी बीवी क्या बोल रही है जाकर उससे पूछ। क्या बोल रही है वो? वो कह रही है हमें पार्टनरशिप में धंधा वंदा नहीं करना है, हम लोग अपने धंधे में बहुत खुश हैं। ये क्या कह रहे हो, ऐसा भद्दा मजाक मत करो। जाओ उसके पास जाओ, तब तक हम यहाँ दो चार गाने और गा लेते हैं। तू यहाँ बैठ कर गाना गाता रहे और वो वहाँ मुझको नखरे दिखा रही है। ओ, मेरी बात सुनो, तुम लोग चालू रखो, हम लोग अभी आते हैं। चलो आओ अन्ना। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। क्या हुआ अन्ना, क्या वो तैयार नहीं है? इतने सालों में आज तक किसी औरत ने मेरी बेइज्जती नहीं की थी, मैंने किसी को ऐसा मौका ही नहीं दिया था। तुम यही रुको, मैं उसे समझाता हूँ फिर तुम्हें बुलाता हूँ। तनुजा उसने हमें धोखा दिया, पालू ने हमें धोखा दिया, उसने जो भी कहा था कोई काम नहीं किया। अब बोल रहा है कि मेरे सारे पैसे वापस करो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
तुम जाकर उसे समझाओ तो शायद बात बन जाए। ये सब मुझे बताने की बजाय तू उसे नाता तोड़ दे। कहा छोटी मोटी रकम नहीं लिए, बहुत पैसे लिए हैं उससे। इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? इस बार मेरी मदद कर दो बस, किसी को पता नहीं चलेगा, वो बस अकेला आएगा। एक बार मान जाओ ना। बकवास बंद कर। अच्छा एक काम करो, पहले इसे नीचे रख दो। नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारा मुर्गन हूँ, इसे नीचे रखो। मेरे पास मत आओ नहीं तो काट डालूंगी। तू अपने मुर्गन से ऐसे बात करेगी? तूने मुझ पर ही कोयता चला दिया। ये क्या कर दिया तुमने तनुजा? मैं तो बस। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई, तू मुझ पर हाथ उठाने लगी? मुझे मारेगी? मुर्गन को मारेगी तू? क्या हुआ? अब जाओ, वो तैयार है। अरे ये खून कैसे? बस थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, तुम जाओ। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, कहाँ जा रहे भाई? बराबर झूम शराबी झूम। गाड़ी खराब हो गई है, कोई दूसरी गाड़ी मिलेगी कोयम्बतूर जाने के लिए? इस समय तो कुछ नहीं है। हाँ सुबह जीप आएगी सब्जी लेकर, चाहो तो उसमें जा सकते हो कोयम्बतूर तक। ठीक है।
क्या हो रहा है? क्या हो रहा अंदर? ये सब क्या हो गया? मार दिया ना तूने उसे, मार दिया ना, खत्म कर दिया ना उस कमीने को। तू नहीं करती तो मैं कर देता। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे। चलो पुलिस के आने से पहले निकल चलते हैं यहाँ से। चलो चलो निकल चलते हैं। नहीं, बंद कर अपना नाटक। ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों बोल रही हो ऐसा? फूल की तरह रखने वाला था ना, लेकिन मैं गलत समझी थी। तू मेरी जान और इज्जत की रक्षा करने वाला था, लेकिन अब तेरा अंत इसी फूल के हाथ होगा, इसी फूल के हाथों से। मेरा यकीन करो तनुजा, मैं अब भी तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। चल भाग, अगर तुझे जिंदा रहना है तो भाग। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मितुर आ गया, तैयार हो जाओ। चलो कोयम्बतूर वाले जल्दी से उतरो, उतरो। चलो हाँ हेलो, चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। Thank you.
तनुजा।